हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन सैग कर्व। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसको हम ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व भी बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक जो है ऑक्सीजन सैग कर्व। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये कोई भी अगर ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो ये कोई भी एग्जाम होता है अपनी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे गेट एग्जाम हो गया या कोई भी और भी हमारे जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसको हम जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिफिसिट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ऑक्सीजन जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू सैचुरेशन डीओ माइनस एक्चुअल डीओ। अब देखिए सैचुरेशन डीओ क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है डीओ की जो उस वाटर में, जिस भी वाटर की हम बात करें वो उसमें प्रेजेंट होती है। अगर वो मतलब जब वो हमारा वाटर क्या होता है फुल्ली सैचुरेटेड होता है डीओ से तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन डीओ। ठीक है, तो कोई भी अगर फ्रेश वाटर है हमारा तो उसकी जो सैचुरेशन वैल्यू है डीओ की वो वेरी करती है फ्रॉम 14.6 मिलीग्राम पर लीटर टू 7.6 मिलीग्राम पर लीटर। और कितने टेम्परेचर पे? फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी वैल्यू जो है ये सैचुरेटेड वैल्यू होती है डीओ की, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, किसी भी फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं तो देखिए, और इसमें से जब माइनस करेंगे एक्चुअल डीओ मींस की जो हमारी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम देख रहे हैं डीओ को मेजर कर रहे हैं उस टाइम पे कितनी हमारी उसमें डीओ मींस डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन डेफिसिट। अगर वो मान लो सैचुरेशन जो हमारे फ्रेश वाटर की सैचुरेटेड वैल्यू है वो 15 है लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं अपनी वैल्यू वो आती है हमारी 7। तो ये अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा फिर बताइए। ओके, तो मींस कि हमारा जो डेफिसिट है मींस अभी उसमें 8 मिलीग्राम पर लीटर डीओ हम ऐड कर सकते हैं अपने सैचुरेटेड वैल्यू को तक लाने के लिए। ओके, तो देखिए अभी इसमें दो तीन टर्म्स हैं, पहले आप वो टर्म्स देख लीजिए। सबसे पहले है हमारी डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? एक होता है रीऑक्सीजनेशन। तो देखिए डीऑक्सीजनेशन क्या होता है कि मींस की डीऑक्सीजन जब हमारा ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन। और रीऑक्सीजनेशन जब रीएरेशन मींस दोबारा उसमें एडिशन हो रहा ऑक्सीजन का तो उसको हम बोलेंगे रीऑक्सीजनेशन। तो जो हमारी रिवर्स होती है उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रिवर्स के अंदर, दैट इज सेल्फ प्योरिफिकेशन। मींस कि वो अगर वो पॉल्यूटेड हुए तो वो खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर मेथड्स होते हैं लाइक डाइल्यूशन के थ्रू, डिस्पर्शन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इन सब के थ्रू क्या होता है वो अपने आप को प्योरीफाई कर सकती है। तो यही इस सैग कर्व से, ऑक्सीजन सैग कर्व से हमें पता चलता है कि इसके अंदर तीन तरह के कर्व होते हैं। तो देखिए ये मैथमेटिकली हमने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है। तो ये कर्व वन देखिए, ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेशन कर्व। तो डीऑक्सीजनेशन कर्व ये कर्व क्या दिखाता है? कर्व शोइंग डिप्लीशन ऑफ डीओ इन द एब्सेंस ऑफ एरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, टाइम दिया है, टाइम ऑफ फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ से अगर हमारा हमने पॉल्यूशन रिलीज किया रिवर में तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लो। और ये जो है हमारा वाई एक्सिस पे, ये हमारा कितना डीओ है परसेंट ऑफ सैचुरेशन। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में जीरो टाइम पे हमारा क्या है 100%। ओके, तो यहाँ से हमारा सैचुरेटेड वैल्यू थी लेकिन जैसे ही हमने पॉल्यूटेंट ऐड किए तो डीऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो गया। कि ये ग्राफ आपको नीचे आता दिख रहा है तो इट मींस कि ये कम होता जा रहा है। तो ये हमारा आपको सबसे पहले तो यही
याद रखना कि कर्व वन क्या होता है हमारा डीऑक्सीजनेशन कर्व होता है, कर्व टू क्या होता है रीऑक्सीजनेशन, ओके, एंड द कर्व थर्ड क्या होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन सैग कर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक मार्क में पूछ सकता है जैसे गेट के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, तो कि कौन सा कर्व किसके लिए होता है। और ये जो हमारा अब देखिए कर्व टू क्या है रीऑक्सीजनेशन कर्व है, तो ये 0 टाइम पे हमारी क्या हो रही है रीऑक्सीजनेशन, मीन्स कि जब हमने पॉलीटेंट ऐड किए तब ऑक्सीजन का लेवल कम था, लेकिन जैसे ही जैसे टाइम के कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमारा लेवल क्या हो गया दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिवर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या होता है वो अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये थर्ड कर्व जो है हमारा ये होता है हमारा ऑक्सीजन सैग कर्व, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि हमारा कितना क्रिटिकल पॉइंट, आप इसमें देख रहे हो ना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जब जहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट हम बोलते हैं उसको, जब हमारा रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ओके। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या होता है हमारा जो डीऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाता है किससे रीऑक्सीजनेशन से, मीन्स कि हमारी डीओ का लेवल इंक्रीज हो गया, ओके, और बीओडी का लेवल क्या हो गया डिक्रीज हो गया आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन सैग कर्व यहाँ पे आप बताइए। और जी ए बी एंड सी डी ये सब क्या हमारे ऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये है ए, यहाँ पे ए बी एंड सी डी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, ओके, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो ये कर्व से हमें पता चलता है। और यहाँ पे देखिए एक एरो मैंने बनाया था मैक्सिमम और क्रिटिकल डेफिसिट ड्यू, कि यहाँ पे ये जो है क्रिटिकल पॉइंट पे ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो यही था हमारा ऑक्सीजन सैग कर्व के बारे में, और इसमें से मतलब 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसका एक इक्वेशन भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, और उसके बेसिस से हम एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो भी इसके बेस पे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग एग्जाम में मेनली आते हैं, हमारे नेट के एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बट आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्यों ना साथ साथ एक दो एग्जाम मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे तो क्यों ना एक दो एग्जाम और दी जाए। तो चलिए आई होप आपको भी ये ऑक्सीजन सैग का क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।